एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छी प्रिपरेशन की होगी इसकी, और वेल प्रिपेयर्ड होने के साथ साथ आप मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। अगर कॉपी पेंसिल आपके हाथ में है तो स्टार्ट लेते हैं। टाइम मैं आपको दूंगी समझने का, सोचने का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं और वो टाइम मांगते हैं, तो आपने सोच समझ के जो है वो ऑप्शन देना है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन से क्वेश्चन नंबर वन है, द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज, द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड इज, ए पे अमाइन, बी पे प्रोटीन्स, सी स्टीरॉइड, डी ग्लाइकोप्रोटीन। अमाइन्स, प्रोटीन्स, स्टीरॉइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर टू, विच हार्मोन्स विल पास इजीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच हार्मोन्स विल पास इजीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए पे ऑप्शन है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, बी पे अमाइन्स, सी प्रोटीन्स, डी स्टीरॉइड। ए पे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, बी पे अमाइन्स, सी पे प्रोटीन्स, डी पे स्टीरॉइड। क्वेश्चन नंबर थ्री, माइलन इज मेड अप ऑफ, ए पे है फैट एंड लिपिड, बी पे लिपिड्स, सी लाइपोप्रोटीन्स, या डी पे ए एंड बी। लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स, या फिर डी ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर फोर, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द मोस्ट फ्ली स्प्रेज एंड पाउडर्स इज, द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मोस्ट फ्ली स्प्रेज एंड पाउडर्स इज, ए पे पैराथायोन, बी एसिटाइल कोलीन, सी एपिनेफ्रीन, डी या नन ऑफ दीज। ए पे पैराथायोन, बी एसिटाइल कोलीन, सी नॉरएपिनेफ्रीन, या डी नन ऑफ दीज। इसी स्लाइड के आंसर भी साथ साथ ही कंपेयर कर लेते हैं ताकि आसानी हो और आपको यानी साथ ही पता चल जाए कि कौन से ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर वन जो था द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज, तो उसको ऑफ ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू विच हार्मोन्स विल पास इजिली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो डी ऑप्शन लास्ट का स्टीरॉइड. क्वेश्चन नंबर थ्री माइलिन इज मेड अप ऑफ, इसका बी ऑप्शन लिपिड्स. नंबर फोर द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मोस्ट फ्ली स्प्रे एंड पाउडर इज पैराथायोन, यानी ऑप्शन ए ठीक है. अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव सिलिशियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर, सिलिशियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ क्लास ए पे डेमोस्पॉन्जिया, बी सी हेक्साटिनिलिडा या डी नन ऑफ दीज. ए पे डेमोस्पॉन्जिया, बी कैल्सेरिया, सी हेक्साटिनिलिडा, डी नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर सिक्स स्ट्रोबिलेशन इन साइफोजोआ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, स्ट्रोबिलेशन इन साइफोजोआ टाइप ऑफ ए पे रीजेनरेशन, बी गैम्यूल, सी फिजन, डी बडिंग. नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम एनकंपैसेस ऑल द अदर इन द लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम एनकंपैसेस ऑल द अदर्स इन द लिस्ट. ए पे प्रोटोस्टोम, बी सी बाइलेट्रिया, डी ड्यूटेरोस्टोम. ए प्रोटोस्टोम, बी सीलोमेट, सी बाइलेट्रिया, डी ड्यूटेरोस्टोम. आंसर देखते हैं इनके. क्वेश्चन नंबर फाइव जो था सिलिशियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ क्लास डेमोस्पॉन्जिया, ए ऑप्शन इसका ठीक है. डेमोस्पॉन्जिया आएगा क्योंकि उसमें दोनों होंगे, उसमें स्पिक्यूल्स सिलिशियस के बने होंगे और स्पॉन्जन फाइबर भी होगा उनके स्केलेटन में. और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो था स्ट्रोबिलेशन इन साइफोजोआ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, तो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बडिंग की स्पेशल टाइप है, ऑप्शन ठीक है. और क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम एनकंपैसेस ऑल द अदर इन द लिस्ट, कौन सी है जिसको हम लेंगे तो उसमें सारे ही ऑप्शन आ जाएंगे, तो वो हमारा बाइलेट्रिया है. बाइलेट्रिया होगा तो वो सीलोमेट होगा, सीलोमेट है तो वो या प्रोटोस्टोम है या ड्यूटेरोस्टोम है, तो ग्रेट बाइलेट्रिया में ये चारों तीनों चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका ठीक है. नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर एट प्लूरोब्रैकिया इन द क्लास, प्लूरोब्रैकिया इज प्रेजेंट इन द क्लास ए क्यूबोजोआ, बी टेंटाक्यूलेटा, सी न्यूडा, डी साइफोजोआ.
क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया हैव ऑर्गेनाइजेशन. एनिमल बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया हैव ऑर्गेनाइजेशन. ए पे मोनोब्लास्टिक, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी डिप्लोब्लास्टिक या डी नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 10, निमेटोसिस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम. कहाँ से निमेटोसिस्ट ओरिजिनेट कर रहे हैं? ए पे एक्टोडर्म, बी एंडोडर्म, सी मीजोडर्म या क्वेश्चन नंबर 11, द हार्मोन दैट हैज स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू ग्रोथ हार्मोन जीएच इज. द हार्मोन दैट हैज स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू जीएच इज. ए पे सोमैटोमेडिन, बी प्रोफिन, सी प्रोलैक्टिन, डी ऑल ऑफ दीज. आंसर देखते हैं इनके. प्लूरोब्रैंकिया इज प्रेजेंट इन द क्लास कूम्ब जेली को बोलते हैं और इसकी क्लास है टेंटाक्यूलेटा. बी ऑप्शन ठीक है इसका. और एनिमल बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया हैव ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डिप्लोब्लास्टिक होगी यानी सी ऑप्शन उसका ठीक. और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निमेटोसिस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो निमेटोसिस्ट टेंटिकल पे है और उसकी पहली लेयर पे, तो एक्टोडर्म इसका ठीक है, ए वाला ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 11, द हार्मोन दैट हैज स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू ग्रोथ हार्मोन इज प्रोलैक्टिन, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स. Which of the following are thyroid gland hormones? A पे thyroxin, thyronine and thyroxin. B पे calcitonin. C पे ACTH. D पे A and B. A पे thyronine and thyroxin. B calcitonin. C ACTH. D A and B. क्वेश्चन नंबर 13, इन बर्ड्स एंड मैमल्स रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स इज एसोसिएटेड विद. इन बर्ड्स एंड मैमल्स रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स इज एसोसिएटेड विद. ए पे है डिक्रीज्ड आयोडीन लेवल, बी इंक्रीज्ड आयोडीन लेवल, सी डिक्रीज्ड आयोडीन एंड कैल्शियम लेवल, डी डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल. क्वेश्चन नंबर 14, द टेम्पेनम वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन. ए पे फिशेस, बी रेप्टाइल्स,
सी एम्फीबियंस, डी नन ऑफ दीज. आंसर देखते हैं इनके. क्वेश्चन नंबर 12 था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स. तो थायरोक्सिन भी, थायरोनीन भी, कैल्सीटोनिन भी, ये सारे उसी के हैं. तो डी ऑप्शन आएगा, ए एंड बी. और इन बर्ड्स एंड मैमल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद. क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर है डी, डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल. और क्वेश्चन नंबर 14 जो, द टेम्पेनम वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, तो एम्फीबियन में, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. 15. सेरिब्लम इज मच लार्जर इन बर्ड्स एंड, सेरिब्लम इज मच लार्जर इन बर्ड. ए पे रेप्टाइल्स, बी मैमल्स, सी एम्फीबियंस, डी ए एंड सी. सेरिब्लम इज मच लार्जर इन बर्ड्स एंड, ए पे रेप्टाइल, एम्फीबियन, डी पे ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 16, द ऑप्टिक टेक्टम इज अ थिकेंड रीजन ऑफ ग्रे मैटर दैट इंटेग्रेट विजुअल एंड सिग्नल्स. फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 16. द ऑप्टिक टेक्टम इज अ थिकेंड रीजन ऑफ ग्रे मैटर दैट इंटेग्रेट्स विजुअल एंड सिग्नल्स. ए पे टच, बी पे ऑडिटरी, सी टेक्टाइल, डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप मूव्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड टू द इनसाइड ऑफ द सेल. कौन से जो है दो आएंगे ऑप्शन में? सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप मूव टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड टू द इनसाइड ऑफ सेल. ए पे पोटाशियम, बी पे सोडियम एंड पोटाशियम, सी पोटेशियम एंड क्लोरीन, डी क्लोरीन एंड सोडियम. आंसर देखते हैं इनके. 15 का सेरिब्लम इज मच लार्जर इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बी ऑप्शन इसका ठीक है. 16 का, द ऑप्टिक टेक्टम इज अ थिकेंड रीजन ऑफ ग्रे मैटर दैट इंटेग्रेट विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, सेकंड वाला. और क्वेश्चन नंबर 17 का, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पोटेशियम टू द इनसाइड ऑफ द सेल, तो इसका भी बी ऑप्शन ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, एल्डोस्टेरोन प्रोमोट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ विच एंड विच मिनरल्स बाय किडनी. एल्डोस्टेरोन प्रोमोट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ विच and secretion of which minerals by kidney. A pe phosphorus and calcium, B phosphorus and sodium, C sodium and potassium, D potassium and sodium. Phir se option, phosphorus and calcium A pe, B phosphorus and sodium B pe, C sodium and potassium, D potassium and sodium.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रमोट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रमोट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट ए पे फैट, बी अमाइनो एसिड्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, एवोल्यूशनरी एविडेंसेस इंडिकेट दैट थायराइड ग्लैंड इन द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स इज एवॉल्व्ड फ्रॉम अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, एवोल्यूशनरी एविडेंसेस इंडिकेट दैट थायराइड ग्लैंड इन द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स इज इवॉल्व फ्रॉम अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ए पे थायराइड प्राइमोडियम, बी फेरेंजियल पाउच, सी स्टमक, या डी एंडोस्टाइल। आंसर देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 18 का था कि एल्डोस्टेरोन प्रमोट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सेक्रेशन ऑफ पोटेशियम मिनरल बाय किडनी, यानी सी का ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रमोट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी इसका बी सी ऑप्शन, थर्ड वाला। और 20 का जो एवोल्यूशनरी एविडेंसेस क्या करते हैं, शो करते हैं कि थायराइड ग्लैंड कौन सी पाउच से निकला है, तो इसका एंडोस्टाइल बी ऑप्शन, लास्ट वाला। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा, उनका कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, मेड्यूसा आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मेड्यूसा आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ए पे है डबल मैम्ब्रेन, बी सेक्स पिली, सी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज गोनेड्स। नंबर 22, स्टिंगिंग सेल आर प्रेजेंट ऑन ए पे माउथ, बी ऑप्शन है टंग, सी टेंटकल्स, डी स्किन। माउथ, टंग, टेंटकल या फिर स्किन। क्वेश्चन नंबर 23, सी एनीमोन बिलोंग अस, ए पे साइफोजोआ, बी एंथोजोआ, सी हाइड्रोजोआ या डी कैल्सेरिया। सी एनीमोन बिलोंग टू द क्लास साइफोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ या फिर कैल्सेरिया। क्वेश्चन नंबर 24, एन एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसॉइड फॉर्म ऑफ नाइडेरिया, मेड्यूसॉइड फॉर्म ऑफ नाइडेरिया की कौन सी एग्जाम्पल है, ए पे हाइड्रा, बी कोरल रीफ, सी जेलीफिश या डी ऑल ऑफ दीज। हाइड्रा, कोरल रीफ, जेलीफिश, ऑल ऑफ दीज।
आंसर देखते हैं इनके. 21 मेड्यूसा आर इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोनैड्स. डी ऑप्शन लास्ट का ऑप्शन है इसका. और स्टिंगिंग सेल जो है वो टेंटकल पे होते हैं, इसका सी ऑप्शन ठीक है. और 23 जो क्वेश्चन है, सी एनिमल बिलोंग टू द क्लास सी एनिमोन एंथोजोआ से जो है उस क्लास से है, तो इसका बी ऑप्शन. और 24 का, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसाइड फॉर्म ऑफ नाइडेरिया, तो जो मेड्यूसा की फॉर्म है वो जेली फिश है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है. 21 का जो था वो डी ऑप्शन, 22 का सी ऑप्शन, 23 का बी ऑप्शन और 24 का सी ऑप्शन. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, इफ यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच मील एंड योर ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम्स हाई, देन व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन विल बी सेक्रेटेड बाय योर आईलेट सेल्स. फिर से रिपीट करती हूँ. इफ यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच मील and your blood glucose level becomes high, then what type of hormone will be secreted by your islet cells? A. pe glucagon, B. insulin, C. pancreatic polypeptide, ya D. pe tyalin. Question number 26. Secretions from bursa of Fabricius play role in. Question number 26. Secretions from bursa of Fabricius play role in. A. pe maturation of white blood cell. B. pe maturation of red blood cell. C. maturation of platelets. या डी पे फेगोसाइटोसिस ऑफ वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल. ए पे मैचुरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, बी पे मैचुरेशन, सी पे मैचुरेशन ऑफ प्लेटलेट्स, या डी पे फेगोसाइटोसिस ऑफ वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स. Question number 27. Which and which are important properties of neurons? कौन सी जो है वो important property neuron की? A पे signal generation and conductivity, B पे excitability and conductivity, C पे conductivity and respond to signal, और D पे A and B. फिर से ऑप्शन रिपीट करती हूँ. ए पे है सिग्नल जनरेशन एंड कंडक्टिविटी, बी पे एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, सी कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स, और डी पे बोथ ए एंड डी. आंसर देखते हैं क्या है इनके. 25 पे जो है वो, अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हो जाए, इतनी लंबी कहानी है, वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. आइलेट्स जो है ऑफ लैंगरहैन के जो सेल हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं? डेफिनेटली वो इंसुलिन सेक्रीट करेंगे. बी ऑप्शन इसका ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 26, सेक्रीशन फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिसेस प्ले रोल इन द मैचुरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल. और क्वेश्चन, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 27 का, विच एंड विच आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है. अगला पार्ट हम देखते हैं उसका. 28. आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल देयर इज एन इंटरवल बिकॉज ऑफ. आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल देयर इज एन इंटरवल बिकॉज ऑफ. A पे membrane has become hyperpolarized, B membrane is more than DMV,
सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज. ए पे मेम्ब्रेन हैज बिकम हाइपर पोलराइज्ड, बी मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव देन -70 mV, सी पे बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज. Question number 29, the characteristic larva in Coelenterates is, A, parenchymula larva, B, amphiblastula, C, planula, D, cd parenchymula, amphiblastula, planula, or cd-pid larva. Question number 30, organism that on covering sheath in neuron. कौन से organism हैं जिनकी neuron के ऊपर axon covering sheath नहीं है? A पे hydra, B C anemone, C पे sea urchin और D पे A and B. A पे hydra, B पे sea anemone, C पे sea urchin, D पे A and B. आंसर देखते हैं इनके. क्वेश्चन नंबर 28, आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल देयर इज एन इंटरवल बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन हैज बिकम पोलराइज्ड, ये भी है और मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव देन माइनस है, तो बोथ ए एंड बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है. और 29 जो है करैक्टरिस्टिक लार्वा इन सेलेंट्रेट या नाइडेरिया का प्लेन्यूला लार्वा है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन ठीक है. और कॉस्निज्म दैट डू नॉट हैव एक्सॉन कवरिंग शीथ इन न्यूरॉन, तो उसमें जो है डी ए एंड बी यानी हाइड्रा और सी एनिमोन एक ही फाइलम के हैं, तो फाइलम नाइडेरिया के मेंबर जो है वो अपने न्यूरॉन के जो है एक्सॉन कवरिंग जो है नहीं रखते, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 31, आइंस आर मोर हाईली कंसेंट्रेटेड इन द फेलोड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. 31, विच आइंस आर मोर हाईली कंसेंट्रेटेड इन द फेलोड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ए पे क्लोरीन, बी पोटेशियम, सी सोडियम या डी पे ए एंड सी. क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम या ए एंड क्वेश्चन नंबर 32, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ रेस्टिंग. ए पे पोलराइज्ड, बी नॉन पोलराइज्ड, सी न्यूट्रल, डी नॉन ऑफ दीज. ए पे पोलराइज्ड, बी पे नॉन पोलराइज्ड, सी पे न्यूट्रल, डी पे नॉन ऑफ दीज. Question number 33, which have simplest form of nervous organization? A, echinoderms, B, cnidarians, C, arthropod, D, A and B. Echinoderms, cnidarian, arthropod, yeah, D, A and B.
क्वेश्चन नंबर 34, गैंग्लिया फंक्शन एज प्रिमिटिव ब्रेन इन, गैंग्लिया फंक्शन एज अ प्रिमिटिव ब्रेन इन, ए पे स्पॉन्ज, बी पे जेलीफिश, सी पे फ्लैटवर्म या डी पे ऑल ऑफ दीज। थ्री हैव सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन, इसका बी है निडेरियन, और 34 गैंग्लिया फंक्शन एज प्रिमिटिव ब्रेन इन फ्लैटवर्म, इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 31 का सोडियम सी, 32 का ए पोलराइज्ड, 33 का नाइडेरियन यानी बी ऑप्शन, और 34 का फ्लैटवर्म सी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेड्यूला ऑब्लंगेटा कॉन्टेन रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर ऑल एक्सेप्ट, मेड्यूला ऑब्लंगेटा कॉन्टेन रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर ऑल एक्सेप्ट, ए पे गैस्ट्रिक सेक्रेशन, बी स्वेलिंग, सी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, डी लिम्फ मूवमेंट। ए गैस्ट्रिक सेक्रेशन, बी स्वेलिंग, सी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, डी पे लिम्फ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 36, हार्मोन्स दैट फॉलो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म आर, हार्मोन्स दैट फॉलो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म आर, ए पे स्टीरॉइड, बी पे डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, सी बाइंड टू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रोथ हार्मोन GH इज आल्सो नोन एज, ग्रोथ हार्मोन को क्या कहेंगे, ए पे थायरोट्रोपिन, बी पे एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, सी सोमेटोट्रोफिन, डी गोनेडोट्रोफिन। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट एंड इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, 38 दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, विच प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट एंड इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ए पे कैल्सीटोनिन, बी पैराथायराइड हार्मोन, सी 1-5 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3, डी ऑल ऑफ दीज। इनके आंसर देखते हैं। 35 मेडुला ऑब्लंगेटा कॉन्टेन रिफ्लेक्स सेंटर फॉर ऑल एक्सेप्ट, 35 का लास्ट वाला ऑप्शन लिम्ब मूवमेंट नहीं करवाता, ये लिम्ब की मूवमेंट डी ऑप्शन ये ठीक है इसका, और 36 का हार्मोन दैट फॉलो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म आर, ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन, ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोफिन सी ऑप्शन इसका ठीक है,
और 38 का विच प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, तो कैल्सीटोनन आएगा, ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आंसर लिखने के लिए तैयार रहें। 35 हाँ जी, 39 मिनरल कंपोजिशन ऑफ बोन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ एंड 80% ऑफ इन ह्यूमन। मिनरल कंपोजिशन ऑफ बोन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ एंड 80% ऑफ इन ह्यूमन। ए पे कैल्शियम एंड पोटेशियम, डी फास्फोरस एंड कैल्शियम, सी कैल्शियम एंड फास्फोरस, डी पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 40, द हार्मोन प्रोडक्ट्स ऑफ थाइमस आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ। द हार्मोन प्रोडक्ट ऑफ थाइमस आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ। ए पे डाइजेस्टिव सिस्टम, बी इम्यून सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम, डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ए पे है डाइजेस्टिव सिस्टम, बी पे इम्यून सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम, डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूरोपेप्टाइड्स दैट हेल्प कंट्रोल्स वाटर एंड आयन बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन फिशेज आर प्रोड्यूस्ड बाय। फिर से रिपीट कर देती हूँ, न्यूरोपेप्टाइड्स दैट हेल्प कंट्रोल वाटर एंड आयन बैलेंस, ब्लड प्रेशर, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन फिशेज आर प्रोड्यूस्ड बाय। ए पे पाइनियल ग्लैंड, बी पे यूरोफाइसिस, सी पे अल्टेमोब्रैंकियल ग्लैंड और डी पे गोनेड्स। आंसर देखते हैं इनके, 39 का है सी ऑप्शन कैल्शियम एंड फास्फोरस, और 40 का दी हार्मोन प्रोडक्ट ऑफ थाइमस आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका बी ऑप्शन ठीक है 40 का। और 41 जो है न्यूरोपेप्टाइड दैट हेल्प कंट्रोल वाटर एंड आयन बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन फिशेज आर प्रोड्यूस्ड बाय यूरोफाइसिस, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, आंसर के लिए तैयार रहें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फाइलम एंड डिस्क्रिप्शन इज इनकोरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फाइलम एंड डिस्क्रिप्शन इज इनकोरेक्ट। ए पे पोरिफिरा, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ये सारा ए का ही है। एक का फिर रिपीट कर देती हूँ, पोरिफिरा, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर। बी का प्लेटीहेलमिंथीस, उसके साथ फ्लैट वर्म और उसके साथ एसिलोमेट। सी पे नीमाटोडा, साथ उसके राउंड वर्म और साथ सुडोसिलोमेट। और डी पे इकाइनोडर्मेटा, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोम फ्रॉम आर्केंटीरोन। इसमें आपने इनकोरेक्ट बताना है कि इनकोरेक्ट कौन सा है। फिर से ऑप्शन बोल देती हूँ, ए पे पोरिफिरा, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, बी पे प्लेटीहेलमिंथीस, फ्लैट वर्म, एसिलोमेट, सी पे नीमाटोडा, राउंड वर्म, स्यूडोसिलोमेट,
डीप ए कानोडर्मेटा बायलेटरल सिलोम फ्रॉम आर्केंटीरोन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वाइनोसिस्ट आर प्रेजेंट इन ए पे आल मेटाजोन, बी स्पॉन्जिज एंड मेटाजोन, सी स्पॉन्जिज ओनली, डी आल प्रोकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 44, अरीलिया इज अ मेंबर ऑफ क्लास ए पे है साइफोजोआ, बी एंथोजोआ, सी हाइड्रोजोआ, डी कैल्सेरिया। ए पे साइफोजोआ, बी एंथोजोआ, सी हाइड्रोजोआ, डी कैल्सेरिया। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 42 का पहला ऑप्शन इनकोरेक्ट है, पोरिफेरा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो अभी तो इनमें ब्लास्टोपोर ही नहीं बनता, तो ये माउथ भी नहीं है इनमें, तो ये पहला जो है वो इनकोरेक्ट है। और 43 का क्वाइनोसिस्ट आर प्रेजेंट इन स्पॉन्ज ओनली, इसका सी ऑप्शन ठीक है। और 44 का अरीलिया इज अ मेंबर ऑफ क्लास साइफोजोआ, इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखें आप। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली मैरीन, कौन से एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है। ए पे एंथोजोआ, बी हाइड्रोजोआ, सी टीनोफोरा, डी साइफोजोआ। एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, टीनोफोरा और डी पे साइफोजोआ। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमॉर्फिक मैरीन नाइडेरियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमॉर्फिक मैरीन नाइडेरियन। ए पे अरीलिया, बी एल सायोनियम, सी एडमेसिया, डी फाइसेलिया। अरीलिया, एल सायोनियम, एडमेसिया या फिर फाइसेलिया। क्वेश्चन नंबर 47, सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज आर, सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज आर। ए पे पोरोसाइट्स, बी आर्चियोसाइट्स, सी क्वाइनोसाइट्स, डी कॉलर सेल। क्वेश्चन नंबर 48, एस्कोनॉइड बिलोंग टू द क्लास ए पे कैल्सेरिया, बी हेक्साटिनिलेडा, सी डेमोस्पोंजिया या डी नन ऑफ दीज। कैल्सेरिया, हेक्साटिनिलेडा, डेमोस्पोंजिया या फिर नन ऑफ दीज। आंसर देखते हैं इनके। Which of the following is not exclusively marine? 45 का हाइड्रोजोआ आएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में है, तो और भी उसके मेंबर हैं जो फ्रेश वाटर में है, तो 45 का बी आंसर है। और 46 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमॉर्फिक मैरीन नाइडेरियन, तो फाइसीलिया है, उसमें बहुत पॉलीमॉर्फिज्म है, मेड्यूसा की भी और पोलिप्स की भी फर्दर है।
और 47 सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज आर आर्चियोसिस्ट। यहाँ पे अमीबोसाइट्स बी अगर होता ऑप्शन तो वो ठीक था, और क्वेश्चन नंबर यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है 47 का। और 48 का एस्कोनाइड बिलोंग टू द क्लास कैल्सेरिया, इसका ए ऑप्शन ठीक है। लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। 49, टिश्यू ग्लैंड दैट इज कॉन्स्पिकुअस इन यंग बर्ड एंड मैमल बट डिमिनिशेज इन साइज थ्रू आउट एडल्टहुड, कौन सा ऐसा है टिश्यू या ग्लैंड जो यंग बर्ड और मैमल में, यंग में है लेकिन एडल्ट में वो बहुत रिड्यूस है, डिमिनिश फॉर्म में है। ए पे प्लेसेंटा, बी पे हाइपोथैलेमस, सी पे थाइमस, डी पे ए एंड सी। ए पे प्लेसेंटा, बी हाइपोथैलेमस, सी पे थाइमस, डी पे ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 50, विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। ए पे न्यूडा, उसके साथ है कॉम जेली, बी पे एंथोजोआ, उसका साथी है फाइसेलिया, सी पे हाइड्रोजोआ, उसके साथ है ओबिलिया, डी पे साइफोजोआ, उसके साथ है बॉक्स जेली। फिर ऑप्शन रिपीट करती हूँ, न्यूडा कॉम जेली, एंथोजोआ फाइसेलिया, हाइड्रोजोआ ओबिलिया और साइफोजोआ उसके साथ बॉक्स जेली। आंसर देखते हैं। 49 का जो है थाइमस ग्लैंड जो है वो एडल्ट में रिड्यूस्ड फॉर्म में है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। और 50 का विच पेयर इज करेक्ट, हाइड्रोजोआ और उसके साथ ओबिलिया, इसका भी सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन आपके हो गए पूरे 50, आप इनके आंसर जो है वो काउंट करें कितने ठीक हैं, और काउंट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो शेयर करें, और साथ साथ ये भी बताएं कि ये टेस्ट जो है वो आपको कैसा लगा, क्या ये टफ था, इजी था, और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है गलती से, क्योंकि जाहिर है इंसान है हम, मिस्टेक हो जाती है, तो वो जो है मिस्टेक जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो आप लोगों के साथ अगर हुई तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो बाकी जो है ये जो वीकली टेस्ट था नेक्स्ट ऐसे ही कंटिन्यूड रहेगा, लेक्चर आपके कंटिन्यूड रहेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।